हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसका वर्कशीट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 तक का वीडियो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना परचेज्ड अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% GST। फाइंड द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेहाना एक ड्रेस खरीदती है कितने में, 5,400 में, और उसमें 12% GST भी जुड़ा हुआ है। अब ये बताना है कि जब 12% GST नहीं जुड़ा हुआ होगा उस समय ड्रेस का कॉस्ट क्या रहा होगा, यानी कि हम लोगों का जो आंसर आने वाला है वो 5,400 से कम आने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट CP ऑफ ड्रेस बिफोर GST बी ₹X। GST ऐड होने से पहले जो ड्रेस था उसका कॉस्ट ₹X होगा। तो एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, X प्लस 12% ऑफ X इज इक्वल टू 5,400। इस इक्वेशन को फिर से समझेंगे, क्या बोला जा रहा है, ₹X उसका दाम था GST जुड़ने से पहले, अब उसमें 12% का इंक्रीज हो रहा है, तो किसका इंक्रीज हो रहा है, X का ही इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हुआ X प्लस 12% ऑफ X, और इन दोनों का वैल्यू ऐड होके 5,400 हो रहा है, जो अभी उसको ड्रेस का कॉस्ट लग रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, X का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये X का X होगा, ये 12% ऑफ X मीन्स 12/100 इंटू X इज इक्वल टू 5,400। फर्दर ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,400। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा LCM, 1 से डिवाइड किया गया 100 टाइम में, 100 इंटू x इज 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 5,400 हो गया। फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है, 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5,400। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों 4 का टेबल से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम में, 28 टाइम में, और ये 25 टाइम में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 28x बाय 25 है इज इक्वल टू 5,400। राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5,400 इंटू 28 बाय 25, राइट हैंड साइड में जाके 25 बाय 28, रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लोग कैंसिल करते हैं दोनों को, कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल होगा, 4 7 जा 28, और ये 4 से कैंसिल होगा 1,325 टेंस में। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 1,325 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आता है 33750 अपॉन 7 है, और इसको सॉल्व करने पर कितना वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 4821.4285 समथिंग आ रहा है। इधर आगे हम लोगों को 2 प्लेसेस तक डेसिमल तक ले जाना है। सो कॉस्ट ऑफ ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड विल बी इक्वल टू x, एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा रुपीज में, 4821.43 लिख सकते हैं, इसको 2 प्लेसेस डेसिमल के बाद ले रहे हैं, तो 428 है, तो 8 को 3 लिखा जा सकता है। दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 28% GST इज चार्ज्ड ऑन ईच आइटम। बोला जा रहा है कि हर एक आइटम में 28% GST चार्ज किया जाता है, तो GST पे करने के बाद उस आइटम का प्राइस क्या होगा। फर्स्ट नंबर में है अ चॉकलेट एट ₹150 का चॉकलेट है, उसका GST के बाद प्राइस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ₹150 में GST ऐड करेंगे, तो ₹150 में GST अगर ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 28% ऑफ ₹150,
उसी का जीएसटी ऐड किया जा रहा है, 28% लग रहा है किसमें, 150 रुपीज में ही लग रहा है, तो इसीलिए उसको ऐड किया जा रहा है 150 में। तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज 150 प्लस 28 अपॉन 100 इंटू 150। इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 50 से ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 से ये 14 टाइम में कैंसिल हो गया, फर्दर 2 से ये 14 टाइम में कैंसिल हो गया। फर्दर हम लोग को क्या मिल गया, रुपीज 150 यहाँ पर है एज इट इज, प्लस 14 3 जा 42 को ऐड कर दिए, दोनों का सम आ गया रुपीज 192, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ नंबर सेकेंड, अ लैपटॉप एट रुपीज 55,000। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, रुपीज 55,000 में ऐड कर देंगे हम लोग कितना, 28% ऑफ रुपीज 55,000, ये ऐड होगा, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा रुपीज 55,000 प्लस 28/100 इंटू 55,000, रुपीज 55,000। अब कैंसिल कर देंगे हम लोग, 100 से 55,000 को कैंसिल होगा तो कितना होगा, 550 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में रुपीज 55,000 में प्लस करेंगे 28 और 550 का प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाता है 15400, ये रुपीज में होगा। अब इन दोनों का जब हम लोग सम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 70400, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नंबर 3, अ परफ्यूम बॉटल एट रुपीज 580 का परफ्यूम बॉटल है, तो उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 28% जीएसटी को ऐड करेंगे। 28% किसका होगा, 28% 580 रुपीज़ का ही होगा। ऐड करते हैं क्या हो जाता है, रुपीज़ 580 प्लस 28/100 इंटू रुपीज़ 580। कैंसिल करेंगे, 10 से ये 10 टाइम में कैंसिल हुआ, 10 से ये 58 टाइम में कैंसिल हुआ, फिर से 2 से 5 टाइम में, 2 से 14 टाइम में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ 580 में सम करेंगे 14 और 58 को मल्टीप्लाई करके, तो 14 और 58 को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 812 रुपीज़ का, 812 अपॉन 5 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रुपीज़ 580 था हम लोग का, उसमें ऐड करेंगे 812 अपॉन 5, 5 से 812 को डिवाइड किया जाएगा तो रुपीज़ 162.40 आएगा, और इन दोनों का सम अगर हम लोग कर दें तो क्या आ जाता है, 700 रुपीज़ का, 742.40, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर बोला जा रहा है रमन परचेस्ड इंसेक्टिसाइड्स फॉर रुपीज 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। If the cost price of insecticide was rupees 20,000, how much GST in percent he has he paid? बोला जा रहा है रमन जो है वो insecticides खरीदता है, कितना पे करता है उसके लिए, 23,600, और insecticides का cost price था 20,000 rupees, तो उसमें वो GST भी add करके देता है, तो कितना GST देता है in percent वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर GST का value क्या हो जाएगा, जीएसटी एडेड जो प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का जीएसटी निकल जाएगा, मतलब जीएसटी को ऐड करके जो वैल्यू बढ़ा हुआ है और कॉस्ट प्राइस जो था, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीएसटी आएगा। तो निकाल देते हैं पहले जीएसटी फिर जीएसटी परसेंट निकालेंगे, क्या होगा, रुपीज 23,600 ये जीएसटी ऐड करके वैल्यू है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज 20,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 3,600, यानी 3,600 वो जीएसटी पे कर रहा है। अब जीएसटी परसेंटेज में कैसे होगा, कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू जीएसटी इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। जो भी आप निकालते हैं परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट ही निकालना होता है तो प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस होता है, या इंक्रीज परसेंट निकालना हो तो इंक्रीज इनटू 100 बाय ओरिजिनल होता है, तो एक ही तरीके का फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। तो
तो जीएसटी परसेंट निकालना है तो जीएसटी इंटू 100 बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या था हम लोग का? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज हुआ है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, जीएसटी 3600 है इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है ये 20,000। 20,000 हो जाएगा यहाँ पर, 100 से कैंसिल हो जाएगा 20,000, 200 टाइम में। अब 200 से 3600 कैंसिल होगा 18 टाइम में, तो ये परसेंट में हम लोग का आया 18%। एंड दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द वर्कशीट। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।